परीक्षा के समय के ऊपर बच्चे ही नहीं, बड़े बड़े धुरंधर भी घबरा जाते हैं। लेकिन परीक्षा दिए बगैर हम अगली क्लास में नहीं जा सकते, अगला स्टेप नहीं उठा सकते। किसी भी जगह के ऊपर हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे स्कूल लेवल की हो, चाहे प्राइमरी लेवल की हो, चाहे सेकेंडरी लेवल की हो, चाहे बीए की हो, एमए की हो, या नौकरी की हो, प्रमोशन की हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, जब तक हम उस परीक्षा को पास नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उस परीक्षा का जो भार होता है ना दिमाग के ऊपर, स्ट्रेस होता है, वो इतना भारी होता है कि उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पूरे साल चाहे पढ़ने वाले हों चाहे बिना पढ़ने वाले हों, सबको ये डर सताता रहता है। पढ़ने वाले को ये डर सताता है कहीं मैं फर्स्ट की जगह सेकंड ना आ जाऊं, सेकंड की जगह थर्ड ना आ जाऊं। बिना पढ़ने वाले को ये डर रहता है कि कहीं मैं परीक्षा में असफल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, पास ही ना हो। डर दोनों को होता है। जिसने पूरे साल मेहनत की वो इस विषय के ऊपर सोचता रहता है कहीं मैं कंपटीशन में पिछड़ ना जाऊं। जिसने पूरे साल मेहनत नहीं की वो ये सोचता है कि कहीं पास ना हुआ तो जिंदगी खराब हो जाएगी, फिर कैसे नौकरी मिलेगी, क्या होगा, मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा, घर वाले स्कूल कॉलेज नहीं जाने देंगे और घर के काम में लगा देंगे और जिंदगी हो गई खराब। आप सबसे पहले तो जब स्कूल में जाना प्रारंभ करें या पढ़ना शुरू करें तभी से आप अपना रूटीन तैयार करें, कितना समय हमें पढ़ाई के ऊपर देना है, किस सब्जेक्ट के ऊपर हमें कितना समय लगाना है, हमारा मजबूत सब्जेक्ट कौन सा है, कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है। जब हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे चाहे कितना भी समय दें, लेकिन वो रूटीन अगर आपका एक बार सेट हो गया तो आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। दूसरा स्टेप, हर तीसरे महीने दूसरे महीने अपनी जांच पेपर के माध्यम से करते रहें। और आप जो परीक्षा होती है किसी भी लेवल की उसे भागे नहीं। तीसरा, आप जो परीक्षा का समय आए उसे दो दिन पहले आप अपने स्ट्रेस को, माइंड को, विचारों को, जो आपने पढ़ रखा है उसको रिलैक्स छोड़ दें कि जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब तो बस ये नहीं कि एक दिन भी बचा है, आप कभी कोई सी सब्जेक्ट को उठा करके पढ़ रहे हो, कभी कोई से सब्जेक्ट को उठा करके पढ़ रहे हो, कभी किसी पुस्तक को उठा करके खोज रहे हो, कुछ नहीं होगा, बहुत कर लिया। अगर आप पूरे वर्ष में कुछ नहीं कर पाए तो दो घंटे में आप क्या करेंगे, क्या उखाड़ लेंगे आप, कुछ नहीं। तो आप उससे ध्यान हटा करके अपने मन को मजबूत करो, एकाग्र करो कि जो हमने सीखा है उसको, अगर दिमाग आपका रिलैक्स होगा, दिमाग आपका शांत होगा, विचार आपके शांत होंगे, बस फिर सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर अगला जो कारण, अगर आप परीक्षा में बैठ गए सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करो, नहीं तो प्रश्न कुछ होगा उत्तर कुछ दे करके आएंगे, सवाल कुछ पूछेंगे जवाब कुछ होगा, आप जानेंगे उस सवाल को, समझेंगे तभी उसका सही उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो आप गरा करके जब की आएगी, जब पेपर मिलाओगे तब आपको एहसास होगा, पता चलेगा कि मुझे तो ये 20 क्वेश्चन याद थे ये छोड़ाया, मुझे ये 30 क्वेश्चन याद थे ये छोड़ाया, ये गलती कराया। तो आप उसके बुद्धि से सोच समझ करके जैसा प्रश्न हो जल्दबाजी ना करते हुए टाइम निर्धारित कीजिए, मुझे एक प्रश्न के ऊपर एक मिनट लगानी है, एक नंबर के ऊपर आधा मिनट लगानी है, दो नंबर के ऊपर एक मिनट लगानी है। अगर आप इस प्रकार से उस टाइम को मैनेज करेंगे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, पूरा पेपर होगा अच्छी तरह से होगा, आप पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे ना आपको सोचना पड़ेगा। फिर आता है परीक्षा के बाद का,
फिर होता है परीक्षा का रिजल्ट का डर, जो ये परीक्षा के रिजल्ट का भय होता है ना, इसमें कुछ लोग तो परीक्षा से पहले भी, कुछ लोग कि कंपटीशन आया चार दिन पहले जी बुखार हो जाता है मुझे, मैं बोलता हूँ डरा हुआ है इसलिए बुखार हो गया भाई, नहीं जी कुछ मेरे ऊपर करवा दिया इसलिए बुखार हो गया, कुछ नहीं, आपका जो मनोबल है वो कमजोर हो गया है, आप परीक्षा से भाग रहे हैं, आप वैसे तो बहुत बहादुर बनते हैं लेकिन जब परीक्षा का समय आता आप भागते हैं, उसी प्रकार से जब रिजल्ट का समय आता है, कुछ लोग तो जिनके पेपर अच्छे नहीं हुए या बहुत ज़्यादा जिन्होंने संघर्ष किया पढ़ाई की उनके पेपर अच्छे नहीं हुए वो सुसाइड तक कर जाते हैं, क्या ये समाधान है? बिल्कुल भी नहीं। अब तो आपको बैठ करके रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए और जैसा भी रिजल्ट आए वैसा स्वीकार करके फिर संघर्ष के साथ फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए अगले स्टेप के साथ। जब हम सोचेंगे विचार करेंगे कि जीवन अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कामयाबी को आपकी कोई नहीं रोक सकता, किसी भी प्रकार से नहीं रोक सकता, जब आपका संकल्प मजबूत होगा, निर्णय मजबूत होगा, पढ़ाई मजबूत होगी, समझ मजबूत होगी, बुद्धि मजबूत होगी, विवेक मजबूत होगा, कामयाबी आपके पास अपने आप चल करके आएगी, आपको नहीं जाना है, आपके पास चल करके आएगी और आप जीवन में कामयाब और एक सफल इंसान बन जाएंगे।